Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। घरेलू शेयर बाजार की ओपनिंग अच्छी मजबूती पर हुई और सेंसेक्स 72,000 के लेवल पर खुला है। आईटी शेयरों और बैंक शेयरों की उछाल के दम पर शेयर बाजार को जोरदार सपोर्ट मिल रहा है। बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स की मजबूती से बाजार में बढ़त का हरान निशान छाया हुआ है। अरब सागर में भारतीय नौसेना का पराक्रम फिर देखने को मिला। इंडियन नेवी ने पिछले 24 घंटे में अरब सागर में 2 जहाजों को लुटेरों से बचा लिया। इतना ही नहीं, नौसेना ने एक जहाज से 19 पाकिस्तानी और दूसरे ईरानी जहाज से 17 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, हेमंत सोरेन पर छापेमारी करो, केजरीवाल पर छापेमारी करो, ये नौटंकी क्यों चल रही है? 400 सीटें क्या आप 200 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगे? दिल्ली में घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही है। दिल्ली से चलने वाली और आने वाली 19 ट्रेनें उत्तर भारत में कोहरे की वजह से लेट चल रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री आवास पर आज महागठबंधन के विधायकों की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन की आज होने वाली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। विधायकों को एकजुट रखने के लिए सीएम हाउस में ठहरने की व्यवस्था की गई है। ईडी को सीएम सोरेन की तलाश है। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेगी। संसदीय कार्य मंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लैंड फॉर जॉब मामले में आज ईडी तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। कल इसी मामले में लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले को पंजाब ट्रांसफर करने के दौरान केस की कागजात में मुकदमा दायर करने वालों की जाति का जिक्र पाया। कोर्ट को इस पर हैरानी हुई। अदालत ने ये तय किया कि आगे से किसी भी मामले में मुकदमा दायर करने वालों का जाति धर्म मेंशन ना हो। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पश्चिम मुंबई के जोगेश्वरी में एक आलिशान होटल के निर्माण में कथित अनियमितताओं के संबंध में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे विधायक रविंद्र वायकर से सोमवार को 9 घंटे तक पूछताछ की। चुनाव आयोग ने सोमवार को 15 राज्य की 56 राज्यसभा सीटों के लिए तारीख की घोषणा की है। चुनाव 27 फरवरी को होंगे और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल और बाकी ओबीसी नेताओं ने सरकार की परेशानी बढ़ा रखी थी। एक और नेता के बयान ने मुश्किल खड़ी कर दी है। इस बार केंद्रीय मंत्री नारायण रानी ने सरकार को आड़े हाथ लिया। नारायण रानी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर अपनी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर फैसले के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान स्पीकर नार्वेकर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल वकील तुषार मेहता ने कोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा था। फेमस कन्नड़ फिल्म एक्टर अरुण राम गौड़ा और ऐश्वर्या ने 22 जनवरी यानी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के दिन सगाई की थी। अरुण और उनकी होने वाली पत्नी ऐश्वर्या पिछले 10 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब जल्द ही अरुण राम गौड़ा और ऐश्वर्या शादी के बंधन में बन जाएंगे। आतिफ असलम ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तमाम हिट गाने दिए हैं। उनकी आवाज के दीवाने लाखों हैं। सालों पहले पाकिस्तानी कलाकारों को हिंदी सिनेमा से बैन कर दिया गया था और बैन लगने के बाद हिंदी सिनेमा से आतिफ असलम गायब हो गए थे। अब आतिफ असलम के फैंस के लिए खुशखबरी है क्योंकि 7 सालों बाद वो कमबैक करने जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण हाल ही में 25 जनवरी 2024 को रिलीज हुई फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। उनके पास इस साल और भी कई फिल्में पाइपलाइन में हैं। वहीं दीपिका एक ऐसी एक्ट्रेस बन गई है जिनकी सबसे ज्यादा फिल्में बाकी एक्ट्रेस के मुकाबले 100 करोड़ की क्लब में शामिल हुई हैं। इस बार 69वें फिल्म फेयर का आयोजन 28 जनवरी को गुजरात में किया गया, जिसमें बी टाउन के सितारों के साथ साथ उनके फैंस की भी भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं अब इस अवार्ड फंक्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। वीडियो में एक्टर कार्तिक आर्यन एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 28 रनों से हार मिली थी। मैच के चौथे दिन बैटिंग के दौरान रविंद्र जडेजा की हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी, जिसके कारण वो दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। वहीं केएल राहुल को भी इस मैच के दौरान ही चोट लगी और अब अगला मैच नहीं खेल पाएंगे।
एपेक ड्यूरेबल के आईपीओ को शेयर बाजार का फीका रिस्पांस मिला है और ये बीएसई पर 225 रुपए पर लिस्ट हो गया है। भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार के पूर्णिया पहुंचकर सभा भी करेंगे। यह यात्रा ऐसे वक्त पूर्णिया पहुंच चुकी है जब सीएम नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए के साथ सरकार बना चुकी है। एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप को फिट कर दिया है। एलॉन मस्क ने पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।